शांति अपूर्व या कहे अद्वितीय मेधा के धनी, जिन्होंने अपनी मेधा के आधार से लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाई में खूब जंप लगाया है, न सिर्फ जंप लगाया है लेकिन फ्लाई किया है और औरों को भी फ्लाई करने में मदद की है, ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सचिन भाई जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका ये सौभाग्य रहा डायमंड हॉल में बाप दादा की दृष्टि और मधुर महावाक्यों के द्वारा आपका अलौकिक जन्म हुआ वर्ष 2003 में। 2002 में मेडिकल स्टडीज़ पूरी की और 2003 में बाप दादा के नज़रों से आपका अलौकिक जन्म हुआ और फिर इस अलौकिक पढ़ाई की गहराइयों में गोते लगाने आरंभ किए और लौकिक पढ़ाई की भी एडवांस स्टडी में लगे रहे। न सिर्फ MBBS लेकिन MD किया, कई फेलोशिप प्रोग्राम्स किए, कई डिप्लोमाएँ लिए और फिर मुंबई में अंधेरी हॉस्पिटल में भी जॉब किया, हिंदुजा हॉस्पिटल में भी और भी एक दो स्थान पर जॉब करने के बाद, अनुभवी होने के बाद आप 10 10 10 अर्थात 10 अक्टूबर 2010 को ग्लोबल हॉस्पिटल में आए और वहाँ पर सेवारत हो गए। वहाँ पर आप एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और साथ साथ आप कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। और जैसे कि मधुबन के अंदर पुरुषार्थी ग्रुप चलता है, उस पुरुषार्थी ग्रुप के साथ बैठकर इस अलौकिक ज्ञान का खूब मनन चिंतन होता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सब तक पहुंचता है और उसकी खुशबू आप सबको आकर्षित करती है। और जब भी कोई ग्रुप आता है एक क्लास सचिन भाई की हो जाए, तो एक क्लास सचिन भाई के लिए आज सचिन भाई खुद यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि बहुत अद्वितीय मेधा आपको मिली हुई है जिसके आधार से आपने भक्ति मार्ग के अनेकानेक धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, विश्व भर के साहित्य का अध्ययन किया हुआ है, जिस कारण से अनेकानेक हर बार नई कहानियाँ, नए उदाहरण देकर बाबा के उसी ज्ञान को एक नए रूप में प्रस्तुत करते हैं जो आप सबको आकर्षित करते हैं। तो आज भी एक सुंदर विषय बाबा की मुरली से, जो प्रायः साकार मुरलियों में ये शब्द आता है, मिरुआ मौत मलुका शिकार, तो आज इसकी गहराई को समझेंगे भ्राता जी के अनुभवों के आधार से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले अप्रैल 1849 रशिया के एक महान साहित्यकार फ्योडर टोस्टोविस्की ने अपने जीवन का एक वृत्तांत लिखा है। लेखक लिखता है, उसकी उम्र तब 27 वर्ष की थी, खून गर्म था, क्रांति
जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जो पीड़ित वर्ग है, सर्फ्स उन्हें कहा जाता था वहाँ, उनकी मुक्ति के लिए अभियान में कार्यरत थे। और वो और उनके साथियों को पकड़ लिया गया। वहाँ का जो राजा था झार जिसे कहते हैं, और उन सबको पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया 8 मास तक। वो उन अंधेरी काल कोठरी में रहे, वहाँ सूरज की किरणें भी बहुत कम आती थी, कष्टपूर्ण जीवन था, छोटी सी जगह। और फिर एक दिन अचानक 8 मास के बाद, जैसे आज्ञा होती है, सभी कैदियों को बाहर निकाला जाता है। कैदी सोचते हैं शायद हमें मुक्त कर दिया जाएगा, सबको बसेस में भरा जाता है और एक स्थान पर लेके आते हैं। मन में आशा जागती है शायद राजा ने हमें छोड़ दिया है। वो सब वहाँ उतरते हैं और देखते हैं, ये क्या, ये तो वो स्थान है जहाँ पर सूली पर चढ़ाया जाता है। वो डर जाते हैं, उनके कपड़े बदले जाते हैं। आज्ञा ये थी कि इन्हें मार दिया जाए, शूट एक एक को सामने रखकर। वो और उसके दो साथी फ्योडर डोस्टोयेवस्की के सिर पर वो काला कपड़ा, और ऑर्डर था कि इनको मार दिया जाए। और बस अब जीवन की अंतिम घड़ी सामने है, खत्म होने वाले हैं। सामने सैनिक है, उन्हें मारने ही वाले हैं, बंदूक लेकर खड़े हैं शूट करने के लिए। और उसी समय एक संदेश वाहक आता है और कहता है कि ज़ार की आज्ञा हुई है इन सब को छोड़ दिया जाए। और उन सबको छोड़ दिया जाता है और कहीं और स्थान पर लेके जाते हैं, साइबेरिया। कई सालों के बाद उस लेखक ने एक किताब लिखी, द इडियट, ये बहुत फेमस बुक है। उसमें एक पात्र को, जो कि 27 वर्ष का ही है, यही सीन क्रिएट किया उस किताब में, और उस पात्र के मुख से कुछ शब्द बुलवाए। वो शब्द क्या थे? वो शब्द ये थे कि मैं मृत्यु के समीप हूँ, इतना समीप कि बस अब मरने ही वाला हूँ। और उस समय मेरे मन में कौन से भाव, कौन से विचार आए? विचार आए कि अब तक मैंने छोटे छोटे कितने सारे पाप कर लिए, इतने सारी गलतियाँ कर ली, और जीवन कितना अमूल्य है। काश मुझे समय मिल जाए, थोड़ा सा समय मिल जाए कि मैं वो सारी गलतियों को ठीक कर दूँ, थोड़ा सा समय मिल जाए। बस अब मृत्यु होने ही वाली है, निश्चित है। बंदूक लेकर सैनिक सामने खड़े हैं और मारने वाले हैं। इफ आई कुड गेट चांस, अगर मुझे अवसर मिल जाए, सो दैट आई कैन करेक्ट ऑल माई मिस्टेक्स, एरर्स, सिंस दैट आई हैव कमिटेड। मृत्यु के साथ इतना समीप का दर्शन। और उसने ये भी लिखा, ऐसा भय अंदर था, एक ऐसा भय जिसकी अनुभूति आज तक
जीवन में कभी भी नहीं की थी, उस क्षण वो भय ने पकड़ लिया था। वहां पर उन्हें मारने से पहले और एक चीज उन्हें करने के लिए कहते हैं, क्रॉस देते हैं जीसस का, उसे चूमने के लिए कहते हैं, और एक पादरी होता है उसके सामने अपने सारे पाप कबूल करने के लिए कहते हैं, कन्फेशन। तब तो और ही भय लगता है कि अब मरना निश्चित है, और उसी क्षण, लास्ट क्षण, वो मैसेंजर आता है, कहता है कि फ्योडर के साथ उसके जो दोस्त थे उन सबको छोड़ दिया जाता है। तो लेखक लिखता है, इतना समीप से मृत्यु का दर्शन हुआ, इतना भय। यदि उसके स्थान पर हम होते तो हमारी क्या स्थिति होती, क्या मन में ऐसा ही भय आ जाता, क्या इतने भयभीत हम हो जाते, या मन पश्चाताप प्रायश्चित से भर जाता, या ये भाव रहता कि कुछ समय मिल गया होता, कुछ और कर लिए होते, जो करना था वो तो किया ही नहीं, अवसर था, समय था, स्थान था, साधन थे, सब कुछ था, फिर भी बट वो नहीं किया जो करना था। भाग्य है आप सबका जो इस स्थान पर पहुंचे और ऐसे संगठन के साथ पहुंचे जहां संसार में त्राही त्राही हो रही है, जहां संसार में घर घर में अशांति है, ऐसे अनित्यम असुखम लोकम से निकलकर इस स्थान पर पहुंचे हैं, तो ऐसा कुछ किया जाए कि ये 3 दिन का समय यादगार बन जाए। और जैसे हर भट्टी में बताया जाता है, एक बात फिर से रिमाइंड करा रहे हैं, 3 नियम भट्टी के। सबसे पहला, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, साइलेंट नहीं, वाइब्रेटिंग मोड नहीं, स्विच्ड ऑफ अगले 3 दिन के लिए। दूसरा नियम, अगर जिन्होंने किया नहीं तो क्लास के बाद बंद, जिससे बात करनी है कर लो, उसके बाद नहीं। दूसरा नियम, एक दूसरे से बातें करना बंद, साधना बात करते हुए नहीं की जाती है, साधना के लिए मौन की आवश्यकता है। जिन्हें गंभीर साधना करनी है मधुबन में आए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, केवल तपने के लिए आए हैं, केवल लेक्चर सुनने के लिए भी नहीं आए, कुछ ऐसा करने आए हैं जो आज तक किया नहीं, जो छूट गया, जो रह गया। तो दूसरा नियम, आपस में बातचीत बंद, और कोई दूसरा यदि मौन में है तो उसका मौन नहीं तोड़ना है। हाँ, जो प्रशासन में है, जो सब संभालते हैं, उनको बोलने की आवश्यकता है, बोलना पड़ेगा, परंतु बाकी लोग जितना हो सके उतना मुख बंद, क्योंकि मौन की गहरी अवस्थाओं में ही, चेतना की गहराई में प्रवेश कर किया जा सकता है।
इन साइलेंस यू डू सेल्फ ड्रिलिंग, खुद के भीतर ड्रिल। जितना मौन गहरा होगा उतनी अनुभूति गहरी होगी। पहला दिन का मौन शाम तक कुछ और होगा। साइलेंस डे टू, शाम तक कुछ और नए नए अनुभव होंगे। तीसरा दिन का मौन वो दिखाई देने लगेगा जो अब तक दिखाई नहीं दिया था। ज्ञान तो यहाँ बहुत सुना जा रहा है, पर जो भी सुना जा रहा है सबको सब पता है। ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ सुनाई जा रही है और आपको पहले से ही पता नहीं? सब पता है, सबको सब पता है। ये पता रहना ही बाधा है। अगले 3 दिन यहाँ ऐसे बैठ जाओ जैसे छोटा सा बालक, अपनी सारी डिग्रियाँ, अपने सारे टाइटल्स, अपने सारे रोल्स, अपने पद पोजीशन सब कुछ भूल के। सुबह मुरली में कहा ना, चाचा मामा काका सब एक तरफ, यहाँ आए हैं तपने के लिए। ज्वाला भवन में प्रवेश किया है, आग जल रही है यहाँ। यहाँ आकर भी यदि बात करने में समय जा रहा है तो भीतर कब जाएंगे? भीतर कितने काम पड़े हुए हैं। तीसरा नियम इस भट्टी का, इस कैंपस से बाहर कहीं नहीं जाना है। अपना कमरा, मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन, चार धाम, डाइनिंग, बस। इसके बाहर कहीं नहीं, जैसे कैद हो जाओ, लॉकडाउन। ये 3 नियम हैं जो जितना गहराई से और गंभीरता से करेंगे। यहाँ साधक की बात ही बैठना है, साधक है जैसे साधना करने आए हैं, तपस्वी है जैसे तपस्या करने आए हैं। एक है ऑफिशियल, केवल कारोबार की रीति से सब कुछ करना, यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए। चार धाम में प्रवेश करो तो ऐसे प्रवेश करो कि जैसे उस कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं अतीत की, जिस स्थान पर आए हो सृष्टि के आदि पिता का स्पर्श हुआ है, आदि देव और आदि देवी यहाँ रहे हैं, महान तपस्वी आत्माओं का निवास यहाँ हुआ है, परमात्मा के चरण इस भूमि पर पड़े हैं, ये वो स्थान है। और आप सब इतनी सारी ब्राह्मणात्माओं के साथ है, तो जो संकल्प यहाँ करेंगे वो संकल्प फलीभूत होगा। इतनी पावर है, केवल चेतन मन को शांत कर दो। इसलिए मोबाइल बंद, आपस में बात करना बंद, बाहर कहीं जाना बंद, बाद में जाना। जिस दिन भट्टी पूरी हो जाएगी उस दिन सब कुछ करना, जितना हो सके। ये 3 नियम हैं। तो हम बात कर रहे थे मृत्यु की। सबसे अधिक व्यक्ति को कौन डराता है? मृत्यु। भयभीत रहता है भीतर से। और मृत्यु से भी अधिक भय किसका है? एक और चीज है, एक तो बीमारी डराती है, दूसरा मृत्यु डराता है, और तीसरा उससे भी ज्यादा द अननोन, अज्ञात का भय, पता नहीं क्या होगा। एक भय सा है, एक इनसिक्योरिटी है, एक अनिश्चितता है भीतर जो कपकपाती है चेतना को। निरंतर एक भय के साथ जी रहे,
बाबा ने कहा है तुम्हें निडर होकर इस खेल को देखना है। मुरलियों में कहावत आती है मिरुआ मौत लुका शिकार, जो शिकार है उसके लिए मृत्यु है, डर है, पर जो शिकारी है उसके लिए खुशी है, आनंद है, वो नहीं डरता। दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक कमज़ोर एक शक्तिशाली। जो कमज़ोर होंगे जैसे ही परिस्थिति आई डर जाते हैं, भागने लगते हैं, एक दूसरे से पूछने लगते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और जैसे ही जीवन में परिस्थिति आती है तीन महान कार्य कर देते हैं। पहला कार्य अमृत वेला को छोड़ते हैं, दूसरा कार्य मुरली छोड़ते हैं, और तीसरा सेवा। संडे की मुरली सुना ना, जबरदस्ती भी करो और परिस्थिति आने के बाद हम इन तीन कार्यों को छोड़कर क्या करते हैं, परिस्थिति का चिंतन, परिस्थिति का डिस्कशन, परिस्थिति के विषय में काउंसिलिंग, पूछते हैं क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए, ये तीन चीजें छोड़ देते। जबकि उत्तर ब्राह्मण जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर अमृत वेला है, अमृत वेला। इसलिए जब तक यहां है तब तक बार बार यह अवसर मिलेगा नहीं, और पता नहीं कि हम इस तरह मधुबन में वापस आएंगे या नहीं। किसी की गारंटी है कि हम आएंगे अगले साल? पता नहीं। इसलिए अब का समय, द पावर ऑफ नाउ, इसको सफल करना है। एकदम भीतर चले जाओ, ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किया है, लाल लाइट लग गई है और बड़ा डीप ऑपरेशन है मन का। चीरा लगाओ तो पता नहीं क्या निकला है, कौन सा पीप, कौन सी घृणा अंदर बैठी है। ऊपर से तो दिख रहा है सब कुछ अच्छा है, निर्विकार है, परंतु वो काम कहीं छुपा बैठा है। वो क्रोध है किसी के प्रति, वो किसी के प्रति ईर्ष्या है, वो किसी के प्रति नफरत और बदले का भाव है। किसी ने अत्याचार किया था, किसी ने अन्याय किया था, वो अब तक नहीं भूला है। किसी ने इंसल्ट की थी, वो पकड़े हुए है। इंसल्ट सहन करने की शक्ति ब्राह्मणों में कम है, कभी दादी जानकी ने कहा था। कितने भय अंदर है। सफाई बहुत गहरी होनी चाहिए। ऊपर ऊपर की सफाई तो हो गई है कॉन्शियस माइंड की, पर भीतर डार्क है, स्टोर है, कुछ भी दिखता नहीं। इस भट्टी का लक्ष्य है उस गहराई में पहुंचना। इसके लिए पहला तो अपना ध्यान बाहर से हटा देना पड़ेगा। यहां बैठे हैं, अपने मन को शांत करके बैठना है, चाहे क्लास सुन रहे हैं, चाहे योग कर रहे हैं, चाहे बाबा के कमरे में एकांत में बैठ रहे हैं, परंतु ऐसे जैसे मन शांत हो गया है, अपने आप कोई ऐसी टचिंग होगी, कोई ऐसा पॉइंट टच हो जाएगा कि जो आज तक उस एंगल से हमने कभी सोचा ही नहीं। और जैसे हम हर भट्टी में कहते हैं, आपकी अस्थि भट्टी यहाँ से जाने के बाद चालू होगी। ठीक है, कब पहुँचेंगे वापस मुंबई? तारीख 15। तो भट्टी का की तारीख है आपकी 16। ये तैयारी है केवल। यहाँ जो शांति का अनुभव हो रहा है वो तुम्हारी शांति नहीं है, मधुबन की शांति है। यहाँ जो अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है वो तुम्हारा अशरीरीपन नहीं है, मधुबन का दिया हुआ अशरीरीपन है। इसके लिए यहाँ
तैयारी करनी है उस 16 तारीख से, यहाँ से जाने के बाद रियल भट्टी चालू करेंगे, करेंगे सभी 21 डेज भट्टी। टॉपिक कल परसों नरसों जब तक यहाँ है वो अमृत वेला टच होगा। किस पर करनी है? किसी का ब्रह्मचर्य ही डगमगा रहा है वो केवल ब्रह्मचर्य पर करेंगे 21 दिन। किसी का अमृत वेला अब तक ठीक नहीं हुआ है, सब कुछ कर लिया फिर भी अमृत वेले का टाइम ही स्थिर नहीं हुआ है अभी तक, कभी 3 कभी 3.5 कभी 4 कभी 4.5 कभी 5 कभी 6 कभी 2 कभी 8। अमृत वेले की बुक है वह पूरा 21 दिन वही किताब पढ़ते रहना और कुछ भी नहीं। किसी के संबंधों में कड़वाहट है, द्वंद्व चल रहा है घर में कहीं पर भी, वो संबंधों को कैसे ठीक करे उस पर भट्टी करेंगे। किसी की सेवाएं नहीं बढ़ रही है उस पर करेंगे, कोई योग पर करेगा, कोई ज्ञान चिंतन पर करेगा, और अपना टॉपिक किसी को भी बताना नहीं है। गुप्त भट्टी, ये सार्वजनिक भट्टी यदि व्यक्तिगत भट्टी में रूपांतरित नहीं हुई तो यहां आना यहां रुकना केवल मनोरंजन मात्र होगा, बस याद रह जाएगी। यहाँ से जाएंगे सेंटरों पर और सुनाएंगे, बहुत अच्छा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत बाबा के प्यार का अनुभव हुआ, ये हुआ वो हुआ सब हुआ, पर किया क्या? 10 दिन के बाद जैसे थे, केवल याद, फोटो उतना ही रह गया। ये भट्टी जीवन रूपांतरण की भट्टी हो जाए, और हो सकता है यदि संकल्प कर लिया जाए तो। सभी अपना हाथ इस तरह से पकड़ेंगे, आंखें बंद, और मन में संकल्प करो कि मेरा ये हाथ अब छूट ही नहीं रहा है। इसी को रिपीट करते रहो, आंखें बंद, मेरा ये दोनों हाथ लॉक हो गए हैं। सभी आंखें बंद, मेरे ये दोनों हाथ लॉक हो गए हैं। जोर से दबाओ दोनों को, मेरे ये दोनों हाथ लॉक हो गए हैं, मेरे ये दोनों हाथ लॉक हो गए हैं। आंखें खोलेंगे, हाथ को छोड़ने का प्रयास, छूट गए कि थोड़ी मुश्किल है? थोड़ी मुश्किल है, क्यों? क्योंकि हाथों के साथ क्या जुड़ गया? संकल्प। हो सकता है किसी के अभी तक नहीं छूटे। कर्म के साथ संकल्प जोड़ देना, संकल्प की सृष्टि। बाबा की कुटिया में जा रहे स्थान के साथ क्रिया को जोड़ दो। बाबा की कुटिया में गए, बाबा मुझे शॉल दे रहे। हिस्ट्री हॉल में गए, बाबा मुझे तिलक दे रहे। इमेजिनेशन, स्थान के साथ क्रिया को जोड़ देना है मन में, तो वो परमानेंट हो जाता है। फिर से विषय की ओर आते हैं। 8 प्रकार की पेपर हमारे जीवन में आने वाले हैं, और इन सभी पेपर्स में हमारी अवस्था उस शिकारी की तरह हो, अप्रभावित, निर्भय, आत्माभिमानी, परमात्म याद और अचल अडोल, साक्षी। हर ब्राह्मण को कुछ कुछ पेपर्स ऐसे हैं वो सार्वजनिक हैं, सबको आएंगे, कुछ कुछ व्यक्तिगत। पर बाबा ने इस मुहावरे का प्रयोग प्राय
विनाश के समय के लिए किया है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है विनाश की वर्षा होगी। और यहाँ तो कोई कोई ऐसे है जो छोटी छोटी बात से भयभीत हो जाते, जैसे कोई ऑपरेशन देखता है तो डर जाता है, खून को देखता है तो डर जाता है, यहाँ रक्त की नदियाँ बहेगी, होलसेल व्यापार, मौत का बाजार गर्म होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, दर्द ही दर्द होगा, पीड़ा ही पीड़ा होगी, दुख के तुम्हारे आपके दुख कुछ भी नहीं है, क्या होने वाला है, दुख के पहाड़ तो गिरने वाले, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो खत्म हो जाएगा आंखों सहित। तो ऐसे ही 8 पेपर से वो आएंगे, कुछ कुछ पेपर तो सारे विश्व को आएंगे और कुछ कुछ व्यक्तिगत। सबसे पहला वॉर, 3 प्रकार के युद्ध होंगे। सबसे पहला युद्ध विश्व युद्ध, न्यूक्लियर वॉर। इतनी सामग्री है, आज 13वां दिन है युद्ध का, युद्ध जारी है। इस सारी सृष्टि को कई बार नष्ट कर दिया जा सकता है, कहते हैं 9 बार, इतना न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वॉर। दूसरे प्रकार का वॉर गृह युद्ध, और तीसरा युद्ध नेचुरल वॉर अर्थात नेचुरल कैलमिटीज। ये 3 प्रकार की वॉर्स है। और जब कोई युद्ध चालू होता है, चालू होने की डेट है पर उसका एंड कब होगा इसकी कभी कोई भी डेट नहीं होती है। इतना दर्दनाक सीन आने वाला है, हमारे सारे स्वजन हमारी आंखों के सामने मर जाए, कैसा दृश्य होगा। जिस घर को हमने इतने प्यार से बनाया वो धराशायी हो जाए, कैसा लगेगा। कितनी मन की तैयारी करनी पड़ेगी, कितना मन को नष्ट मोहा करना पड़ेगा कि यहाँ का कुछ भी हमें आकर्षित ना करे, कुछ भी। थर्ड वर्ल्ड वॉर, आइंस्टाइन से पूछा 4th वर्ल्ड वॉर कब होगा, उन्होंने कहा था कभी नहीं, क्योंकि 3rd में ही सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। एलियन अटैक होंगे कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स, मीथेन गैस लीक होगी सी बेड से। तीसरा, जो हनी बीज है वो नष्ट हो जाएंगे, इनका सृष्टि के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, हनी बीज का, मधुमक्खी, अगर मधुमक्खियाँ संसार की नष्ट हो जाए तो शायद सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। आकाश में ब्लैक होल्स, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन। आप अभी जहाँ बैठे हैं माबू, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 और 50 से भी कम है, और जहाँ से आ रहे हो वहाँ का देखा था कितना है, AQI आइडियल होना चाहिए 50 से नीचे, बड़े शहरों में 100, 150, 200, 300 ऐसा रहता है, हाईली पोल्यूटेड एयर। जो हवा अंदर जा रही है वो इतनी दूषित है, और जब हवा ही दूषित है तो विचार भी दूषित हो जाते हैं अपने आप। कोविड में क्या खाना चाहिए, ये खाऊं कि वो खाऊं कि वो खाऊं कि वो खाऊं, ये प्रश्न पूछते जो इनहेल कर रहे उसके बारे में कोई नहीं पूछता है। हवा सबसे टॉप मोस्ट है, प्योर एयर, 2nd नंबर प्योर वाटर, और 3rd नंबर प्योर फूड। ये कितना भी अच्छा हो पर ऊपर के 2 यदि दूषित है तो अपने आप विचार भी प्रभावित होने लगते हैं। इसके लिए योगी महात्माएं ये सब कहाँ रहते थे, संसार से दूर प्राकृतिक वायुमंडल जहाँ है। इसलिए यहाँ से वहाँ जाने के बाद एक नियम बनाना है, सुबह का मॉर्निंग वॉक, वो एक ही समय है जहाँ पर हवा
शुद्ध होती है, क्योंकि जब शुद्ध हवा होगी तो अपने आप शुद्ध विचार आते हैं मन में। छत पे चले जाओ, किसी गार्डन में चले जाओ, समुद्र तट पर चले जाओ, सिंधु नदी के तट पर ब्रह्मा बाबा एकांत में बैठे रहते थे, सागर को देखते हुए, उसकी विशालता को देखते हुए, बिना एकांत के और बिना मौन के और बिना अंतर्मुक्तता के कोई अध्यात्म की उन्नति हो ही नहीं सकती। सेवाएं हो सकती है, सब हो सकता है, परंतु चेतना ऊपर उठ जाए स्थिति में वो नहीं होता है। तो ऐसा समय आएगा धुआं ही धुआं होगा, कैसा वायुमंडल होगा, हिरोशिमा नागासाकी कैसा वायुमंडल था, अब तक भी लोग कैंसर से पीड़ित है, रेडिएशंस। मन को भी शक्तिशाली बनाना है, शरीर को भी शक्तिशाली बनाना है, ऐसा शरीर जिसे किसी दवाइयों की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा शरीर जिसमें फुर्ती हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो, जो लचीला हो, ऐसा शरीर जिसमें कोई थकान नहीं, ऐसा शरीर जिसे बहुत कम नींद की आवश्यकता है, ऐसा शरीर जिसमें कोई बीमारी नहीं, ऐसा शरीर जिसमें सारे चक्र खुल गए हैं, ऐसा शरीर जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं, ऐसा शरीर कि जो ये ना कहे कि मुझे थकान लगती है, मुझे कमजोरी लगती है। शरीर को भी शक्तिशाली बना देना है, मन और शरीर दोनों शक्तिशाली बनाए, बिना स्वास्थ्य के अध्यात्म फेल है, बिना हेल्थ के कोई कितना भी कहे कुछ ना कुछ होते रहेगा, बार बार बीमार पड़ते रहेंगे, कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ तो गलत खा रहे हैं। तो ऐसा समय आएगा कि न्यूक्लियर वॉर होगा, ऐसा समय आएगा ग्रह युद्ध होगा, आपस में अंतर कलह, ऐसा समय आएगा प्राकृतिक आपदाएं आएगी। एक प्राकृतिक आपदा आती है तो क्या हो जाता है, अंदर का इतना निकलने लगता है। हम लोग, हमें याद है जब उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा हुई थी, त्रासदी, तो हॉस्पिटल से गाड़ी गई थी, हम लोग थे उसमें। दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखी, एक तरफ वो लोग थे जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे, एक तरफ वो लोग थे जो इतनी सेवा कर रहे थे, कैंप्स लगे हुए थे, न मालूम कहाँ कहाँ से आए थे, फ्री में भोजन बांट रहे थे। दूसरी तरफ कुछ और लोग थे, वो क्या कर रहे थे, चोरी। वो क्या कर रहे थे, जितने लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, वो दो साधु थे वहाँ, मिलिट्री वाले गए CRPF वाले उनको लेने के लिए, उन्होंने जाने के लिए तैयार नहीं, ऊपर से उनको कहा चलो ये खतरा है यहाँ। उनके बैग देखे तो इसमें इतना सारा जेवर भर के था, सब जमा करके रखा था। लोगों ने रोटियां, एक एक रोटी 100-100 रुपए की। जो वर्स्ट है वो भी बाहर निकल जाता है, और जो अच्छा है वो भी, दोनों ही हमारे अंदर की टेंडेंसीज उस समय बाहर निकलती है, और जो गहराई में होगी वो ज्यादा निकलती है। स्वार्थ अगर अंदर है तो वो स्वार्थ निकलेगा। जब सब कुछ शांत है तभी योग नहीं कर सकते और ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकते, तो जब परिस्थितियां होगी तब क्या करेंगे, तब होगा। कितनी शांति से सब बैठ के मुरलियां सुनते हैं, एक समय आएगा घर के बाहर नहीं निकल सकेंगे। और ऐसा अनुभव एक बार कर चुके, थोड़ी सी झलक, रिहर्सल थी केवल। तो ये पहला पेपर होगा, प्राकृतिक आपदा है, ग्रह युद्ध और न्यूक्लियर वॉर, भयंकर वॉर, और वातावरण में कितनी भयानक निगेटिविटी होगी, भयानक। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब डाला गया तो वहां के वो जो प्रेसिडेंट था, जिसने ऑर्डर दिया था, वो कहता है आज मैं शांति से सोऊंगा। और जिसने बॉम्ब डाला वो पायलट, उसने एक पल भी नहीं सोचा कि जो मैं कर रहा हूं उससे क्या होगा। अंतर विवेक नष्ट हो जाता है। मॉब मेंटेलिटी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ,
जो लोग धार्मिक थे बहुत अच्छे थे, पर जब देखा सब लोग कर रहे वो भी शामिल हो गए उसमें, मंदिरों को जला दिया, मस्जिदों को जला दिया दोनों तरफ, क्योंकि मॉब मेंटेलिटी है, सबके साथ व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, जो सब कर रहे वो करने लगता है। इसके लिए बड़ी गहरी साधना चाहिए, बड़ा गहरा परीक्षण निरीक्षण चाहिए स्वयं का, मेरे अंदर कौन से संस्कार है। तो ये पेपर आएगा, और ऐसे पेपर में निर्भय अवस्था, उस शिकारी की अवस्था, ऐसे पेपर में साक्षी भाव, इसका पहले ही हमने अभ्यास किया हो कि ये सब होगा, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। दूसरा पेपर, पांच विकार। हमको लगा ये सब चले गए, छुप गए, दब गए, पर नष्ट नहीं हुए हैं, सूक्ष्म में है, काम नहीं है, परंतु काम के जो सूक्ष्म रूप है वो है वहां। पुरानी स्मृतियां है भोग की, वो नष्ट हुई है शायद, नहीं इस जन्म की तो नष्ट हुई, पूर्व जन्म की। साधना के लिए इसलिए मौन बहुत जरूरी है, चुप हो जाओ सारी बाह्य मुक्ता छोड़कर, क्योंकि इतने काम करने बाकी है भीतर। और हो सके तो साल में कभी 10 दिन 7 दिन कहीं चले जाओ साल में, जहां पर नो टच विद द वर्ल्ड, साल में एक बार कोई रिट्रीट। आजकल तो विदेश में साइलेंस रिट्रीट होती है, आकर बैठते हैं, मोबाइल पहले ही ले लेते हैं, 10 दिन के लिए कोई टच नहीं, ऐसी जगह रिट्रीट होती है जहां कोई रेंज नहीं, वहीं सब कुछ और सब मौन में 7 दिन, कोई लेक्चर नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई भाषण नहीं, कुछ भी नहीं, केवल मौन। बड़ी पावरफुल होती है, ऐसी अगर ना भी मिले तो खुद भी कर सकते हैं। और सारे दिन भर में रोज इंटरमिटेंट साइलेंस, सेवा पूरी हुई साइलेंस, सेवा में जो करना है सब किया, सब बात किया, सारों से सब कुछ किया, जैसे ही काम पूरा हुआ चुप, इंटरमिटेंट साइलेंस, इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड, इंटरमिटेंट इंट्रोवर्शन रोज। और यदि ऐसा अवसर मिले तो 10 दिन 15 दिन गंभीर साधना के लिए बहुत जरूरी है, सोलो साइलेंट रिट्रीट, अकेले की रिट्रीट, जिसमें कुछ शेयर नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है, यहां तक कि कुछ लिखना भी नहीं है उसमें, केवल भीतर। और हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में यह देखा है कि जब जब इस तरह की रिट्रीट की और बाहर निकले तो नया जन्म हो गया। लेटेस्ट जनवरी मास में ऐसी एक रिट्रीट की 10 दिन, ना कोई पेन, ना कोई पेंसिल, ना कुछ लिखना, कुछ नहीं, केवल मौन। कहीं और जाकर सारा कुछ अरेंज कर कर, जो आपकी ड्यूटी है उसमें कोई और टेक ओवर करे, इस तरह से सब कुछ देखते हुए, पर जो प्राप्ति है वो बहुत बड़ी है। भीड़ में आप जाते हो कुछ खो कर आते हो, एकांत में जाते हो कुछ पा कर आते हो, ये अंतर है। प्रकृति में जाते हो कुछ मिलता है, मनुष्यों की भीड़ में जाते कुछ तो खो जाता है, सूक्ष्म कुछ तो। संगठन का अपना महत्व है, एकांत का अपना महत्व है। एकांत में जाओ कुछ पाओ और फिर आके बांटो। दादी जान की मुंबई में थी, कहती है 40 दिन तक एक ही कोठरी में जैसे तपस्या की थी बैठकर, 40 days साइलेंस रिट्रीट।
प्रकाश मेरी दादी थे, मौन भट्टिया कराती थी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमें याद है हम एक दो जगह विदेश में गए थे, वहाँ जो भट्टिया होती थी वो भारत की भट्टियों से एकदम अलग। जितने लोग आते थे, बाहर एक ट्रे रहता था, सबका मोबाइल ऑफ और उस ट्रे में, रात को जब जाएंगे तब अपना मोबाइल लेकर जाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो पहला पेपर वॉर, दूसरा विकार, विकारों का डायग्नोसिस, जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं, वो प्रेम है ही नहीं, वो काम है, व्याकरण ही गलत है। जिसे प्रेम की संज्ञा दी है वो प्रेम नहीं, वो काम है। जिसे प्रेम की संज्ञा दी है वो प्रेम नहीं, वो मोह है। जिसे ये संज्ञा दी है कि हम बहुत बिजी है, और जिसे हम सेवा कह रहे, वो सेवा कभी थी ही नहीं, वो तुम्हारे मैं का विस्तार था, मैं की सजावट थी बस। नाम यज्ञ का दे रहे, परंतु इच्छा है मैं प्रत्यक्ष हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए। डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट डिजायर इन स्पिरिचुअलिटी। हम देखते हैं कितने ऐसे भाई बहन है, मधुबन में भी है, इतने गुप्त है, इतने गुप्त है कि उन्हें कोई भी नहीं जानता। कुछ तो ऐसे है जिन्होंने अभी तक ज्ञान सरोवर भी नहीं गए और देखा भी नहीं, इतनी गुप्त और इतनी सूक्ष्म तपस्या है। अपने मौन में रहते हैं बस, ना कोई क्लास कराते ना कुछ कराते, चुप। पर यही योगी आजन है। तो अपनी तपस्या को भी गुप्त कर दो। इसलिए कहा यहाँ से जाने के बाद एक 21 डेज का व्रत लेना है। कौन से टॉपिक पर, वो किसी को नहीं बताना है, वो गुप्त भट्टी होगी, चुपचाप खुद करते रहना है, लिखना है, चार्ट देना है, गलती हुई फिर करेक्ट करना उसको, और प्रेरणा लो बाबा से, टच, क्या करूँ, इतना कर लिया और क्या करना बाकी है, ये सेवाएं की और इसके आगे और क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तीसरा, शरीर की बीमारियों का पेपर, जो सोचा नहीं था, जो समझा नहीं था, अचानक शरीर की कोई बीमारी आ जाए, अचानक। हम कितने अचूल, हमने देखा है कितनी आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माएं, बहुत अच्छी जिनकी स्थिति थी, जैसे ही हॉस्पिटल में आते और कोई बीमारी का पता चलता है, बेचैनी स्टार्ट, फिर वो स्थिति, वो योग कभी नहीं रहता है। कोई एक ऑपरेशन हो गया, बस खत्म, उससे जो वीकनेस और वो 6 मास तो उसी में लग जाते हैं उनको। और हमने उन आत्माओं को भी देखा है, उन दादियों को भी देखा है, इतनी बीमारियां, इतना सब कुछ, जैसे शरीर से डिटैच्ड। शांतामणि दादी, इधर प्रिक करो उधर प्रिक करो, शरीर से डिटैच्ड। पालू दादी, इधर प्रिक, डिटैच्ड। मनोहर इंद्रा दादी, जैसे यहाँ है ही नहीं। जानकी दादी, मुंबई से एक बार जब लेके आए थे वापस, सब कुछ किया पर वो पता ही नहीं चला लास्ट तक, ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। जब शांतिवन पहुंचे, वो जो कार थी उसमें खून ही खून। दो दिन के बाद डायमंड हॉल में ओम शांति चालू था, भाषण ठीक हो गए। पावर ऑफ थॉट। असहनीय पीड़ा, असहनीय वेदना, उसमें भी चित्त स्थिर। शरीर का पेपर सबको आएगा, और आएगा तो हम किस तरह से उसको टैकल करते, हैंडल करते हैं। दो पेशेंट है, दोनों को सेम दर्द है, पर एक इतना चिल्लाता है, एक कुछ नहीं चिल्लाता है, चुप। हमने बहुत से असंख्य ब्राह्मण आत्माओं को आंखों के सामने शरीर छोड़ते हुए देखा है। स्थिति का स्टडी की है, किस स्थिति में जा रहे हैं ये। कोई कोई कितने योगयुक्त, एकदम जैसे बाबा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। कई सारी भाई बहने थे, वो तो इतना खुश हो रहे थे, अभी मुझे जाके छोटा बच्चा बनना है, पता है कैंसर हो गया है, फैल चुका है, सब कुछ हो गया, अब नहीं हो सकता कुछ, स्थिर खुश है। बाकी लोग परेशान है, वो खुश है।
लंबे समय की साधना चाहिए। अभी पता चल गया, हॉस्पिटल में गए डॉक्टर से, जस्ट रूटीन चेकअप करा और पता चला कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कैंसर जैसा लग रहा है, बस तब से बेचैनी चालू। फिर उसकी जांचें करते करते, वो सारा कुछ करते करते 3-4 मास बेचैनी बेचैनी बेचैनी, प्रश्न ही प्रश्न, भगवान कहाँ चला गया, खो गया। तो शरीर के पेपरों में क्या करना है, अच्छा लड़ोल उसका अभ्यास। उसके लिए तो पहले शरीर को क्या कारण है, बीमारी का मूल कारण क्या है, उसको पकड़ना है। और मूल कारण ये तीन ही है, हवा पानी और भोजन। ये तीनों ही शुद्ध हो जाएंगे, शरीर स्वच्छ हो जाएगा। जो पीते हो उसे शक्तिशाली दृष्टि देते हुए बाबा की याद में पीना है। बैठे खड़े खड़े फटाफट फटाफट धीरे धीरे, कॉन्शियस ईटिंग कॉन्शियस ड्रिंकिंग, जैसे ये शुभी रस है, इसको पी रहा हूं मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी हो रहा है। डॉक्टर इमाइल कुए थे फ्रांस में, इतने लोगों को ऐसे ही ठीक किया। कैसे ठीक किया, बस एक ही मंत्र, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, आई एंजॉय रेडियंट हेल्थ, सारी बीमारियां से मैं मुक्त हो गया हूँ। बस एक ही मंत्र था उनका, देते जाओ देते जाओ। हमारे जो सेल्स है हमारी भाषा सुनते हैं, शरीर हमारा मानता है, उसको कह दो, उसको बोल दो कि तुम्हें कल 2 बजे उठना है, आदेश दे दो उसको, सोते सोते अपने आप वो उठेगा। पर हम पहले से ही आदेश देते कि आज तो थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है और आज तो रेस्ट भी नहीं हुआ है, ये हमारे आदेश है, ढीले डाले। संकल्प में बहुत शक्ति है, पावर। ये दूसरा विकार, तीसरा बताया शरीर के पेपर, और चौथा साधनों के अभाव। अभी सब कुछ है, एक समय आएगा कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या करोगे? संडे की मुरली, सब चीजों का आधार क्या है, लाइट और बिंदु। लाइट नहीं रहेगा तो 1 सेकंड में संसार संसार नहीं रहेगा। उस दिन संडे की क्लास में भी कहा, न्यूयॉर्क में जब ब्लैकआउट हुआ 2 दिन, 13th and 14th July 1977, क्या कुछ हो गया, लूटपाट मच गई, क्या कुछ हो गया, 30 करोड़ का नुकसान 2 दिनों में। साधन अब है, मोबाइल है, सब कुछ है, पर डिपेंडेंट नहीं। इंटरनेट एक एडिक्शन बन गया है। विदेश का एक भाई रोज सेवा केंद्र पर आता था, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सेवा करता था, और अचानक उसका आना कम हो गया, अचानक आना बंद हो गया। देखा बहन जी ने कि इसको इंटरेस्ट कम हो गया है। बड़ी बहन जी ने हॉस्पिटल में अनुभव सुनाया था, क्या हो गया इसको, वो बताता नहीं था, नहीं एवरीथिंग इज ओके आई एम फाइन। अरे पर उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। पहले उसका इतना क्रिएटिव माइंड था, सेंटर पर हर प्रोग्राम में नई चीज बताता था, कुछ कुछ भी नहीं बता रहा है। हुआ क्या, इतना अनन्य भाई, टालता रहा, बताता नहीं, कभी आता कभी नहीं आता। उसके चेहरे से देख के लगता था ये डाउन हो गई इसकी स्थिति। फिर भी बड़ी बहन जी ने कहा कुछ तो है। छोटी बहन को कहा कि उसके साथ बैठो, थोड़ा चर्चा करो। फिर पता चला यूट्यूब, सारी सेवाएं दिन भर में करो, थक जाता है, रात में देखना चालू, क्लिक 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 क्लिक, एक क्लिक से दूसरा क्लिक, दूसरे से तीसरा, और वो कहाँ पहुँचता है वो पता नहीं। रोज 11-12 बज रहे हैं। शरीर और विकारों की तरफ आकर्षण होने के बाद आत्मा की तरफ आकर्षण अपने आप कम हो जाता है, और ज्ञान योग अपने आप खत्म होते जाता है। कहीं पर भी हमारा डिपेंडेंस न हो, आज मोबाइल है कल नहीं है चलेगा, आज नेट है कल नहीं है, कहीं पर भी नहीं हो। क्लासेस बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर वो भी एडिक्शन ना हो। सारे साधन है,
आज लिफ्ट है, कल लिफ्ट नहीं रहेगी, पैदल उतरने और चढ़ने की भी आदत हो, आज कार है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। साधनों का पेपर सब ठप हो जाएगा, मोबाइल रहेगा हाथ में, रेंज ही नहीं तो क्या करोगे, टॉवर ही नहीं रहेगा क्या करोगे। तो ऑनलाइन गेम्स एडिक्शन है। टेररिस्ट को पूछा गया, तुम लोगों को बचपन में क्या पसंद आता था, वो कहते थे ऑनलाइन गेम्स, उसमें वो फाइट होती है ना, इधर से कार उधर से कार, दीज वर द फेवरेट गेम्स ऑफ टेररिस्ट। इंटरव्यू लिया गया था, ये बच्चों को ऑनलाइन गेम्स, हमको लगता है अच्छा है, बिजी है, खेलने दो उसको, ऑनलाइन गेम्स एडिक्शन है। ऑनलाइन न्यूज़, क्या हुआ क्या हुआ, इस पार्टी ने क्या कहा उस पार्टी ने। ऑनलाइन शॉपिंग, क्लिक करो चीज़ आ जाती है, क्लिक करो ढूंढते ही रहते क्या खरीदूँ, मन में कुछ नहीं है, अभी जो खरीद के आई है चीज़ उसको तो खोल के भी नहीं देखा है, दूसरा क्लिक बाय बाय। ये भी एक एडिक्शन है। तो ध्यान रखना है बच्चे क्या खेल रहे हैं, दीज आर डेंजरस। बीच में वो कुछ आया था ना जिसमें डेथ हो गई थी, पबजी है ये सब, दीज आर डेंजरस। उनको क्रिएटिव गेम्स, आउटडोर गेम्स, दो चित्र था, जोक 1990, जो मम्मी है बच्चे का कान पकड़ के बाहर से घर ला रही है, बहुत हो गया खेलना, और अभी 2022 बच्चा अंदर है उसको कान पकड़ के बाहर ले जा रही है क्योंकि वो लगा हुआ है। अगला पेपर है संस्कारों का, हमारे अपने ही संस्कार माया बनकर बाहर आएंगे। हमको लगा हमने उसे खत्म कर दिया, पर अचानक कहां से काम विकार जाग पड़ा, इतने सालों के ब्रह्मचर्य के बाद अचानक कहां से क्रोध आ गया। हम तो डेली यही कहते थे मैं विश्व कल्याणकारी हूं, अचानक किसी आत्मा के प्रति इतनी घृणा, इतनी घृणा, इतनी नफरत, फ्रॉम वेंस, कहां से, छिपी थी इसलिए तो आई। इसी छिपे हुए विकारों को खोजना, उनका डायग्नोसिस करने के लिए भट्टी है, क्योंकि ऊपर ऊपर की सारी बातें सबको पता है। ज्ञान का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमें पता नहीं, बताओ, कोई है ऐसा पॉइंट कि जो एकदम नया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पता है। यही प्रॉब्लम भी है, सब पता होना। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अज्ञान, भ्रम कि मैं जानता हूं, ये पता है, परंतु जो पता है वो ऊपर ऊपर का पता है, सूचनाएं है, ज्ञान नहीं है, सूचनाएं बहुत है, मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा, ये संगम युग, ये सृष्टि चक्र, ये 5000 वर्ष बाप आए हैं, विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु, आदि मंत्र द दुख, सूचनाएं बहुत है, ज्ञान कहाँ है। ज्ञान अर्थात सूचना प्लस अनुभव, ज्ञान अर्थात परिवर्तन, ज्ञान अर्थात प्रज्ञा, प्रज्ञा जागे अंदर, अंतर्दृष्टि जागे, चीजों को पैनी दृष्टि से भेदते हुए देख सके। मुरली चली थी अभी, परखने की शक्ति, आत्माओं को परख सको, मूड अनुसार, वायुमंडल अनुसार, परिस्थिति अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार, उसकी आवश्यकता अनुसार, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ देखते हुए। तो अपने ही संस्कारों का पेपर आएगा, तो इस भट्टी में खुद को स्टडी करो, पिछले 6 मास में मैंने क्या क्या किया। योग में बैठकर वो एक स्क्रीन पर सारा देखो, संबंध कैसे रहे, अमृत वेला कैसा रहा, ब्रह्मचर्य कैसा रहा, ट्रैवलिंग कितनी की, सेवाएं कौन कौन सी की, गलतियाँ कौन कौन सी हुई, अच्छे काम कौन कौन से किए, योग कैसा रहा, स्थिति कैसी रही, मूड्स फ्लक्चुएशन कितने रहे, स्टडी लास्ट 6 मंथ्स।
स्टडी ऑफ लास्ट सिक्स मंथ्स एंड प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट सिक्स मंथ्स करके जाना है यहां से। तो संस्कारों का पेपर अगला सिक्स्थ, आत्माओं के द्वारा पेपर। चार प्रकार की आत्माएं, एक लौकिक की आत्माओं से पेपर, दूसरा अलौकिक परिवार की आत्माओं से पेपर, तीसरा भटकती हुई आत्माओं से पेपर इविल सोल्स, और चौथा क्रिमिनल आइड सोल्स। अलग अलग मुरलियों में ये वर्णन आए हैं। पहला लौकिक वाली आत्माओं से, लौकिक को छोड़ चुके थे, लौकिक से कोई संबंध नहीं था, अलौकिक जीवन में चल रहे थे, अचानक लौकिक के प्रति मोह जागा। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरी माँ, एकदम गहरा मोह। इतना मोह, हमने कई ब्राह्मणों को शरीर छोड़ते हुए देखा, और उनके परिवार वाले जो संपूर्ण ज्ञान में हैं, उनकी स्थिति भी देखी। कुछ कुछ एकदम अचल डोल, और कुछ कुछ इतने दुखी कि कई महीने लग गए उनके आंसू रुकने के लिए, डिप्रेशन में चले गए, एंटी डिप्रेशंस पे है। दुनिया को आत्मा का ज्ञान सुनाने वाले, आत्मा की अमरता का ज्ञान सुनाने वाले, खुद इस बात से कितना अनभिज्ञ है कि आत्मा अमर है, खुद शरीर में फंसे है। ये भी आत्मा है, और दूसरी तरफ वो भी है, संपूर्ण नष्ट मोह। ठीक है, गए तो गए, नष्ट मोह दोनों है। इधर हम कहाँ हैं? तो लौकिक से पेपर, दूसरा इस परिवार से पेपर, ये तो सबसे कठिन है, सबसे कड़ा। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतु होंगे। ये ब्राह्मण परिवार क्या है? एक एग्जामिनेशन हॉल, और एक एक ब्राह्मण आत्मा क्या है? पेपर। जिस आत्मा का हमने कोर्स कराया, जिसको सेंटर लेके गए, कोर्स कराया, जिसको योग सिखाया, जिसका हाथ पकड़कर मधुबन में लेके आए, चार धाम की यात्रा कराई, सारा माउंट आबू दिखाया, बाबा से जिसका मिलन मना दिया, वही एक दिन हमारे ही विरुद्ध खड़ा है। ये कैसा हिसाब है? ये सब होगा, परंतु एक बात बड़ी सूक्ष्म है हिसाब किताब की, जो याद रखनी है। जैसे याद एक यात्रा है, जैसे जीवन एक यात्रा है, जन्म और मरण, उसी तरह कोई भी हिसाब किताब परमानेंट नहीं होता है। उसकी भी शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कार्मिक अकाउंट की है, तो व्हाई नॉट मेक दिस जर्नी ब्यूटीफुल एंड हैप्पी। एक छोटी सी बच्ची है, आयशा चौधरी, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, 15 साल की, शरीर छोड़ दिया 2015 में, 18 साल की थी, शरीर 2015 में उसने छोड़ दिया। छोटी सी बच्ची, उसके आप सुन सकते हो उसके स्पीचेस। उसको लंग्स की एक ऐसी बीमारी थी, लंग फाइब्रोसिस, जिसका कोई इलाज नहीं था, पर वो जो बोलती है, इतना लोगों को मोटिवेट करता था। चली गई वो, अब नहीं रही। वो कहती थी, आई हैव लंग फाइब्रोसिस बट आई हैव हैप्पी लंग फाइब्रोसिस। इफ यू हैव डायबिटीज, लेट इट बी हैप्पी डायबिटीज, क्योंकि जाना तो सब है, सबको ही है। 100 साल के बाद यहाँ कोई नहीं बचेगा इस हॉल में, एवरीबडी हैज टू गो अवे। तो व्हाई नॉट मेक एवरी मोमेंट अ हैप्पी मोमेंट, एवरी हिसाब किताब जो आ रहा है हैप्पी हिसाब किताब। मर मर के क्यों जिए? किसी एक आत्मा के साथ हिसाब किताब है, सब कुछ कर लिया, पर वो हमें छोड़ता ही नहीं। हमने उसका कभी कोई बुरा नहीं किया, कभी उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, पर हमारे हाथ धो के पीछे पड़ा है। अब हम क्या करें? शुभ भावना, शुभ कामना। बाबा ने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। कितने लोगों ने, सारे न्यूज़पेपर में रोज गिलानी आती थी ओम मंडली की, रोज कैसे कैसे आरोप लगाए। सिंध ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर ने लिखा, दादा लेखराज ही इज गिवन टू सॉर्सरी एंड लेचरी, बहुत खराब खराब शब्दों का प्रयोग। पर अच्छा लड़ोल, कुछ भी हो जाए स्थिर। तो आत्माओं से हिसाब आएंगे। तीसरा, भटकती हुई आत्माएं, इसका एक ही उत्तर है, शिव मंत्र के आगे सभी मंत्र फेल है। इविल सोल ये होता है, वो होता है, कोई कुछ नहीं करता, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दो, कोई आक्रमण नहीं कर सकता। और चौथा है क्रिमिनलाइज सोल, विकारी दृष्टि वाली आत्माओं का आक्रमण।
हमारे शरीर की तरफ कोई आकर्षित हो जाए, पीछे ही पड़ जाए, वो भी एक जरूर हमारे अंदर कुछ तो है। शिव शक्ति का रूप धारण नहीं किया है, महिला दिवस है, शिव शक्ति हूँ, यही अभ्यास है। दादियाँ जब घर गई अपने सेवा करने लौकिक, तो शिव शक्ति का रूप धारण कर गई। उनकी माताओं ने, उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने उसे समझा ही नहीं हमारी बेटी आई है, जैसे कोई देवी आई है इस रूप में। ये छठवां पेपर। सातवां लीगल कोर्ट केसेस। हमने किसी का कुछ नहीं किया, पर अचानक कोर्ट केस किसी ने कर दी, या कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व है, इतने इन्वॉल्व है कि ज्ञान योग खत्म हो चुका है कोर्ट के चक्कर काट काट के। इसलिए कहते हैं ना, सफेद कोट, ब्लैक कोट और खाकी कोट, इन तीनों से दूरी रहो, एंट्री नहीं करो। सफेद कोट हॉस्पिटल, ब्लैक कोट कोर्ट, और खाकी कोट पुलिस। जमीन लैंड छोड़ दो, ज्ञान और योग पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा कोर्ट केस 10 साल लड़के क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, क्या करोगे? और जो सुख शांति जो थी वो तो खत्म हो गई। वो पैसे मिलके भी, वो जमीन मिलकर भी क्या करोगे? वो प्रॉपर्टी मिल गई, कौन सी सेवा करोगे? मन ही ठिकाने पर नहीं है अब तो। ये भी पेपर आएगा, उसमें भी अचल डोल लीगल। और लास्ट आठवां फाइनेंशियल। हर एक को उस बेगरी पार्ट से गुजरना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आपके घर में कोई आ जाए और कहे कि 2 दिन में यह घर खाली कर दो, जस्ट इमेजिन, 2 दिन में घर खाली कर दो, स्थिर रहेगा मन? उस दिन भी कहा था, पोक कोटा हाउस, ढोलपुर हाउस पीछे यज्ञ, वहां था, नोटिस आई 1 दिन में खाली कर दो, 1 हफ्ते के अंदर। बाबा थे नहीं, मम्मा ने क्या कहा? अखंड योग भट्टी। यह है उत्तर, क्या करना है? अखंड योग भट्टी, हर परिस्थिति का उत्तर। हम होते तो ये करेंगे, वो करेंगे, इधर जाएंगे, उसको मिलेंगे, उसको मिलेंगे, कुछ नहीं। जस्ट सिट इन मेडिटेशन, दैट्स इट। तो ऐसे ये 8 पेपर है। पहला बताया युद्ध, युद्ध में भी 3, न्यूक्लियर, ग्रह युद्ध, और तीसरा प्रकृति का युद्ध, नेचुरल कैलमिटीज। दूसरा पेपर बताया 5 विकार, 5 ही विकार नहीं, सूक्ष्म विकार जो अंदर छिपे हैं वो बाहर निकलेंगे। तीसरा शरीर की व्याधियां, शरीर की बीमारियां, इसलिए एक ध्यान रखना है कि ऐसी दिनचर्या, ऐसा भोजन बनाओ कि ये शरीर बीमार ही ना पड़े। क्योंकि बीमार पड़ने के बाद जब शरीर स्वस्थ है तभी तो अशरीरीपन नहीं हो सकते, जब शरीर में दर्द होगा तब अशरीरीपन कैसे होगा? कितना कठिन है। दांत में दर्द हो रहा है और बनो मैं आत्मा हूं करके बताओ, इधर रीनल कॉलिक तड़पता है पेशेंट, बाबा वगैरह कुछ नहीं रहता है, वो बाद में याद आता है, हाँ फिर बाबा ने बचा लिया, वो सब बात की चालू होता है, बाबा बहुत मदद करता है, पर जब तड़प रहे थे तो मुंह से आई ग मम्मी ये सब निकलता है। सेंटर पर एक माता थी, उसको अचानक कुछ हो गया, बहुत अनन्य माता, और अचानक उसके मुंह से निकल गया मम्मी। तो सेंटर की बहन जी पूछते, तुम अभी भी मम्मी को याद करती? वो कहती, मैं शिव बाबा को मम्मी कह रही थी। ब्राह्मण बहुत योग युक्त है, संभाल लेते सिचुएशंस को, क्योंकि ज्ञान इतना ज्यादा है कैसे कहां यूज करना ये ब्राह्मणों से सीखना चाहिए। अगला साधनों का अभाव। इसके लिए साधनों के बिना रहने का अभ्यास करना है। देखो क्या होता है, आज चीज है कल नहीं रहेगी, वो अभ्यास करो,
अपने घर की एक एक चीज देखो कि ये अलमारी कल नहीं रहेगी, कितनी सारी है उसमें, सब गई। हमारा अपना मोह है, फिर कहेंगे नहीं बाबा का चला गया इसलिए दुखी है, बाबा का चला गया इसलिए दुखी नहीं, मेरी थी इसलिए दुखी है। वो तो कहने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ज्यादा होशियार चतुर सुजान है, उन्हें संपूर्ण ज्ञान है किस सिचुएशन में कैसा कौन सा ज्ञान यूज करना है, वो पता है। अगला संस्कार, अपने ही संस्कार बाहर निकलेंगे, किसी और से हमारी दुश्मनी है ही नहीं, कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है, सब हमारे भीतर की हलचल है। द एजिटेशन इज विद इन। योग में कोई बैठता है आधा घंटे के बाद क्यों उठता है, कौन उठाता है? इट इज द रेस्टलेसनेस विच मेक्स यू गेट अप, और कोई उठाता नहीं है। हम कहते हैं लोग क्या, नहीं मुझे कुछ काम है, कुछ काम नहीं है। इट इज द इनर बेचैनी है जो है हमारे भीतर, वो हमको उठाती है, ना भूख है ना कुछ है। ऐसा करते मच्छर वहां है ही नहीं, किसको मारा, वो बेचैनी है जो हाथ को यहां ले जाती है, वो यहां कुछ खुजली वगैरह कुछ नहीं है, पर योग में ही सब कुछ होता है। ये करेंगे फिर इसको ठीक करेंगे, फिर इसको ठीक करेंगे, शॉल को ही ठीक करने में टाइम जाता है। मेडिटेशन हॉल में एक बार कोई बहन जी बैठी थी सामने, उसका मोबाइल पहली बजा अमृत वेला, सबने देखा थोड़ा प्रेम भरी दृष्टि से, फिर बजा, फिर तीसरी बार बजा। हम पीछे बैठे थे, हमने कहा कि अभी हम इसको योग जैसे ही हो जाएगा इसको बताएंगे कि भाई मोबाइल बंद करना है। तो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और जैसे योग पूरा हुआ हमारा काम कितने लोगों ने कर दिया, टूट पड़े सब, कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं, सब हमारे भीतर है बेचैनी, हमारे अंदर ही है सब बेचैनी हलचल, इसी को शांत करना है। अगला बताया आत्माओं के साथ बड़ा कड़ा हिसाब है, लौकिक अलौकिक क्रिमिनलाइज्ड और इविल सोल्स, भटकती हुई आत्माएं कभी आक्रमण नहीं करेगी जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उन पर। जो कमजोर है पहले ही सोचते रहते हैं कि हाँ मुझे उसने कुछ कर दिया है, मेरे अंदर उसमें कुछ करता है, वो मुझे पता है वही करता है मेरे साथ, ऐसा तुमने मान लिया इसलिए हो रहा है, अदरवाइज इट इज नॉट। अगला लीगल कोर्ट और ये सब भी पेपर आएंगे, हम कभी कभी चाहते नहीं है फिर भी आ जाएंगे, अचल अडोल। लास्ट फाइनेंशियल, आज सब कुछ है पर समझ देना ये अनित्य है, सारा पैसा सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो मिरुआ मौत मलुका शिकार। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल बंद, जो सामने आके नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे आ जाएंगे, और अगले 15 मिनट 20 मिनट शरीर की सारी हलचल समाप्त। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। दादी कहती है मुझे ब्रह्मा बाबा के चार पोस्चर बार बार आंखों के सामने घूमते हैं। पहला तपस्या में बैठा हुआ है, कैसा बैठा है। दूसरा विष्णु अनंतासन में। तीसरा पत्र लिखते हुए। चौथा पहाड़ों पर नशे से बैठा हुआ। तो योगी अर्थात पोस्चर फर्स्ट, स्थिर, रीढ़ की हड्डी सीधी, सारे सपोर्ट छोड़ देना जितना हो सके, और शरीर को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। शरीर हिलता है तब मन हिलता है, आंखें इधर उधर जाती है तो मन इधर उधर जाता है, आंखों को स्थिर कर दो, मन को स्थिर कर दो। तो अगले 15 मिनट तक उंगली जहां रख दी बस रख दी, उंगली भी ना हिले, जबान भी ना हिले, चले। संपूर्ण स्थिर, कुछ समय के लिए
आंखें बंद करेंगे, अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक मन की आंखों से देखेंगे, भीतर से देखेंगे, मस्तिष्क, चेहरा, किस तरह के प्रकंपन है, दाया हाथ, बाया हाथ, छाती, पेट, मन को दौड़ाएंगे, कितना नश्वर, कितना नित्य है सब कुछ, पीठ, दाया पैर पूरा, बाया पैर, संपूर्ण शरीर, हलचल है कहीं शरीर में, धड़कन है कहीं, शरीर पर उत्पन्न जो कुछ है वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, शरीर के भीतरी स्तर पर जो हलचल है उसका संबंध अवचेतन मन से है, मन शांत, बुद्धि स्थिर, चित्त एकाग्र, भ्रुकुटी के मध्य स्थित मैं एक चैतन्य ज्योति हूं, शरीर अलग, मैं चेतना अलग, पृथक हूं, चैतन्य सत्ता हूं, अपनी भ्रुकुटी के बीच एक सितारा देखेंगे चमकता, मैं आत्मा, इस शरीर से निकल संसार से परे तत्वों से पार अंतरिक्ष से भी परे सूक्ष्म वतन लाइट का शरीर, आंखें खोलेंगे और सामने अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे, आंखें स्थिर खुली हुई, बाप दादा शक्तिशाली दृष्टि, शक्तिशाली प्रकंपन,
बाप दादा का वरदानी हस्त सिर पर। यहां से जाने के बाद जो मेरी अपनी व्यक्तिगत भट्टी चालू होने वाली है उसके लिए बाबा वरदान दे रहे सफलता मूर्त बाबा। निर्विघ्न बाबा बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया है। अपने ही दोनों हाथों को पकड़ेंगे आंखें बंद और अनुभव करेंगे एक हाथ मेरा है और दूसरा बाबा का। सभी अपने ही दोनों हाथ पकड़ेंगे आंखें बंद। भगवान ने हाथ पकड़ा है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां साथ है, असंभव कुछ नहीं। अब धीरे धीरे मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूं। शांति स्तंभ सूक्ष्म परिक्रमा शक्ति का अनुभव हिस्ट्री हॉल समर्थ संकल्पों का अनुभव बाबा का कमरा बाप समान स्थिति का अनुभव कुटिया प्रेम का अनुभव हल्कापन यही प्रकंपन लेकर मैं फरिश्ता उड़कर जा रहा हूं अपने लौकिक घर सेवा केंद्र ऑफिस। एक एक कमरे को सकाश कमरों की दीवारों को सकाश वहां रहने वाले सभी आत्माओं को शक्तिशाली पवित्र संकल्प शुभ भावनाओं की सकाश। वो संपूर्ण ऑफिस रोज की सड़क वो सारी ट्रैफिक वो सारा स्थान वो लौकिक घर घर के सारे सदस्य शक्तिशाली दृष्टि वो सेवा केंद्र सभी बहनें सभी भाई कितने महान हैं सब। मन शांत है, अब धीरे धीरे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे बिना आवाज के बिना हलचल मौन बाबा को देखते हुए दृष्टि स्थिर। भाई भाइयों की तरफ बहनें बहनों की तरफ हमारी तरफ देखते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे इस तरह आंखें बंद।
परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे संपूर्ण शरीर में पवित्र प्रकंपन है। पूरा शरीर प्योरिटी की लाइट से भर गया है। मेरे दोनों हाथों से इन दोनों आत्माओं को पवित्रता की किरणें जा रही है और मेरे दोनों हाथों में इन दो आत्माओं के हाथों से पवित्रता की किरणें आ रही है। एक एक इंद्रिय शुद्ध हो रही है। पूरे शरीर में करंट है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारिणी हूं। मैं शिव शक्ति हूं। शिव प्रिया हूं। शिव की अर्धांगिनी हूं। एक शिव के अतिरिक्त कोई नहीं। परम धाम से पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ पर रोम रोम में पवित्रता चेतन मन अवचेतन मन की गहराइयों में पवित्रता एक एक वासना नष्ट हो रही है। एक एक विचार संकल्प भावना स्वप्न दृष्टि वृत्ति परिशुद्ध हो रहा है। स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन पूरे हॉल में जैसे पवित्रता ही पवित्रता। अब धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर बैठेंगे। बाबा से दृष्टि निरंतर मुझात्मा पर पड़ रही। पवित्रता की प्रतिज्ञा मधुबन के इस धाम में तपस्या के इस धराधाम में मैं सभी ब्राह्मणों के सम्मुख बाबा तुमसे आजीवन संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए सब छोड़ूंगा पर प्यूरिटी नहीं। भगवान की दृष्टि प्रतिज्ञा के संकल्प में परमात्मा दृष्टि का मिलन हुआ है। ओम शांति। अवश्य ही मिरुआ मौत मलुक का शिकार की गहराई समझ में आई होगी और उसके आधार से पुरुषार्थ में श्रेष्ठता लाने की सुंदर इंस्पिरेशन मिली होगी सबको। आज बाबा ने